हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टेथ ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, एक और जरूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस साल 2021-2022 के सेशन में एमपी बोर्ड की क्लास 10th और क्लास 12th की जो बुक्स हैं वो चेंज हो गई हैं। जी हाँ, इस साल आपकी क्लास 10th और क्लास 12th की बुक्स को चेंज कर दिया गया है। अब यहाँ पर NCERT की बुक्स चलेंगी। अब कौन कौन सी बुक्स चलेंगी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको पहले ही थोड़ा सा हिंट कर दूँ कि इस साल आपकी जो बुक्स चेंज हुई हैं क्लास 10th में, लगभग आपकी सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत की जो बुक्स हैं वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी हैं। अब तक जो बुक्स चल रही थी वो नहीं चलेंगी, अब आपको न्यू बुक्स परचेस करना होंगी। बात करते हैं 12th के बारे में कि 12th क्लास में आपकी लैंग्वेज की बुक्स चेंज हो गई हैं, मतलब कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत जो होती है उसकी बुक्स को चेंज कर दिया गया है। अब NCERT की बुक्स चलेंगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि NCERT की कौन सी बुक्स चलेंगी, क्योंकि अगर आप NCERT की साइट पर भी जाकर विजिट करेंगे, देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारी बुक्स मिलेंगी। एक एक सब्जेक्ट के लिए आपको चार चार पाँच पाँच बुक्स की लिस्ट देखने को मिलेगी। अगर आप हिंदी देखेंगे, इंग्लिश देखेंगे तो इंग्लिश की आपको चार पाँच बुक्स की लिस्ट मिलेगी, हिंदी देखेंगे तो हिंदी की भी आपको चार एक बुक्स मिलेंगी। तो कौन सी बुक्स हैं उनके नेम मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, और प्रूफ के साथ मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि ये जी न्यूज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। जी हाँ, यहाँ पर जो बुक्स आपकी चेंज हुई हैं उनकी लिस्ट मैं आपको बताऊँगा, और वो बुक्स आपको कहाँ से डाउनलोड करना है या फिर आपको मार्केट से खरीदना है, तो किस नाम से आपको उन बुक्स को परचेस करना है वो पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो के स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये इंफॉर्मेशन और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको एक नोटिस बता देता हूँ, आप पहले इस नोटिस को देखिए और इसकी डेट को देखिए। ये 22 अप्रैल 2019 को नोटिस इशू किया गया था, काफ़ी पुराना नोटिस है, लेकिन इस नोटिस का अभी प्रेजेंट में कुछ कनेक्शन है, ये आप इसी नोटिस में जान जाएंगे। पहले हम इस नोटिस को समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं। देखिए, ये विज्ञप्ति है, यहाँ पर कहा गया है कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक राज्य शासन इतर द्वारा पूर्व में जारी विभागीय आदेश दिनांक 23/11/2016 के क्रम में NCERT की पुस्तक के विभिन्न कक्षाओं हेतु निम्नानुसार लागू किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। मतलब कि 22 अप्रैल 2019 को ही बोर्ड के द्वारा नोटिस इशू करके ये जानकारी दे दी गई थी, और ये कह दिया गया था कि आपको क्रम से किस किस क्लास की कब आपको कौन सी बुक को चेंज करना है इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी 22 अप्रैल 2019 को ही। अब जान लेते हैं कब कब कौन सी पुस्तकों को बदला गया और अब कौन सी पुस्तकों को बदला जाना है, ये भी आपको अभी इसी नोटिस में समझ में आ जाएगा। वर्ष है, कक्षा है और विषय है। हम बात करते हैं 2019-2020 के सेशन की, कि क्लास 11th मतलब कि 11वीं में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान इनको चेंज किया गया था। इसी के साथ 2020-2021 का जो सेशन था, मतलब कि जो लास्ट ईयर जो अभी आपका निकला है सेशन, उसमें 12वीं में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान इनको चेंज किया गया था। अब आते हैं 2020-2021 में 11वीं, मतलब कि अभी आप 11वीं में इससे पहले थे, अब 11वीं से पास होकर प्रमोट होकर अब आप 12th क्लास में आए होंगे। मतलब कि इस साल अगर आप 12th क्लास में हैं तो 11th क्लास में आपने पढ़ी होंगी जो बुक्स आपने, वो हिंदी, अंग्रेजी सामान्य, हिंदी विशिष्ट, हिंदी सामान्य, अंग्रेजी सामान्य, संस्कृत एवं उर्दू, ये पुस्तकें आपकी चेंज हुई थी 2020-2021 में, जो आपने NCERT की बुक्स को पढ़ा होगा। अब मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ कि ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम्स के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो NCERT की जो बुक्स लगी थी 11th क्लास में, आपने देखा होगा कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की हिंदी कॉमन थी, और इंग्लिश के बारे में बात करें तो इंग्लिश भी कॉमन थी, इसमें मीडियम का कोई सिस्टम नहीं था। तो आपने 11th क्लास में जो बुक्स पढ़ी हैं वो NCERT की पढ़ी हैं। अब आप 11th क्लास से पास होकर अब आप 12th क्लास में आ गए, मतलब 2021-2022 में आ गए, ये जो सेशन चल रहा है, ये जो सत्र चल रहा है 2021-2022 ही चल रहा है। अब आप प्रेजेंट में अगर 12th क्लास में हैं तो आपकी कौन सी बुक्स चेंज होंगी ये देख लीजिए। लैंग्वेज की बुक्स आपकी चेंज होंगी, मतलब कि हिंदी विशिष्ट, अंग्रेजी विशिष्ट, हिंदी सामान्य, अंग्रेजी सामान्य, संस्कृत एवं उर्दू की पुस्तकें, ओवरऑल लैंग्वेज की जो बुक्स हैं ये आपकी चेंज हो जाएंगी, जो आपको पढ़ना है नई वाली जो NCERT की लगेगी। अब एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं कि NCERT की बुक्स में भी बहुत सारी बुक्स होती हैं, जैसे कि आप इंग्लिश देखेंगे तो इंग्लिश में भी 4 बुक्स हैं, हिंदी में भी 4 बुक्स हैं, उर्दू में भी हैं, तो आपको कौन से राइटर की बुक्स पढ़ना है ये मैं आपको बताऊँगा, बुक्स का फ्रंट पेज भी बताऊँगा, जिससे कि अगर आप मार्केट से बुक्स परचेस करना चाहते हैं या फिर आप किसी सोर्स से ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको कौन से राइटर की कौन सी बुक्स परचेस करना है ये मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। लेकिन ये क्लियर है कि आपकी जो लैंग्वेज की बुक्स है क्लास 12th में, वो एमपी बोर्ड ने चेंज करके NCERT की बुक्स लागू की है। 2020-2021 के बारे में बात करें, अगर आप 9th क्लास में थे तो देखिए 9th क्लास में आपकी जो बुक्स थी
जो चेंज हुई थी, सामाजिक विज्ञान हिंदी विशिष्ट, अंग्रेजी विशिष्ट, हिंदी सामान्य, अंग्रेजी सामान्य, संस्कृत उर्दू की पुस्तकें, तो ये इनको चेंज किया गया था 2020-2021 में ही, जब आप 9th क्लास में थे। मतलब कि लास्ट जो आपका सेशन था, ये आपका कौन सा सेशन था 2020-21 का, तो अब आप वहाँ से पास होकर अब आप 2021-22 के सेशन में आ गए। मतलब अगर आप अभी 10th क्लास में, आप 10th क्लास में आ गए, तो 10th क्लास में आपकी कौन सी बुक्स को बदला जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। आपकी सामाजिक विज्ञान चेंज होने वाली है, हिंदी विशिष्ट चेंज होने वाली है, अंग्रेजी विशिष्ट, हिंदी सामान्य, अंग्रेजी सामान्य, संस्कृत में उर्दू की पुस्तकें, ये आपकी पूरी तरह से चेंज होने वाली हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक्स लागू होंगी। मतलब इस साल 10th क्लास में आपको पुरानी बुक्स नहीं पढ़ना है, नई बुक्स पढ़ना है, यहाँ पर ये जानकारी दे दी गई है। अब मैं आपको इन बुक्स के नेम भी बता देता हूँ, फिर मैं आपको साथ में इन बुक्स के पेज आपको दिखा दूंगा, फ्रंट पेज आपको दिखा दूंगा, इनके नेम आपको बता दूंगा कि वो बुक्स आपको परचेस करना है मार्केट से, या आप पुरानी किसी एनसीईआरटी की बुक्स लेंगे तो वो भी आप ले सकते हैं। तो आपको कौन सी बुक्स परचेस करना है ये जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। देखिए, एक और नोटिस मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की तरफ से जारी किया गया था 14/9/2020 में, कौन कौन सी बुक्स को बदला गया है। देखिए, अगर आप 9th क्लास में हैं तो 9th क्लास में आपकी हिंदी है वो आपको पढ़ना है क्षितिज भाग वन आपको पढ़ना है, और 9th क्लास में हिंदी कृतिक भाग वन आपको पढ़ना है। और 9th क्लास में अगर आप आए हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो, तो आपकी जो अंग्रेजी है वो आपको बी हाइव, ये आपको परचेस करना है, ये आपको पढ़ना है। अगर आप सेकेंड भी परचेस करना चाहते हैं तो याद रखिएगा बी हाइव, जो कि एनसीईआरटी की है, और आपकी अंग्रेजी मोमेंट्स जो कि आपकी सेकंड है, ये भी आपको 9th में ही पढ़ना है। संस्कृत शिमुशी प्रथम भाग है, और आपकी ये 9th-10th में संस्कृत व्याकरण है। और उर्दू नवाय उर्दू आपको पढ़ना है, ये भाग वन है। और आपके देखिए 9th में सामाजिक विज्ञान, और इनके यहाँ पे नेम दिए गए हैं। फिलहाल हम आते हैं 11th क्लास में। 11th क्लास में आपकी जो हिंदी है वो आरोह भाग वन आपको परचेस करना है, और आपकी सेकंड जो हिंदी है वितान, ये भाग आपको वन परचेस करना है, ठीक है। 11th क्लास में जो आपकी अंग्रेजी है वो आपको ऑर्नविल की परचेस करना है, ये आपकी 11th क्लास जो कि एनसीईआरटी की है। और 11th क्लास में आपकी एक और बुक है, वो है आपकी स्नैपशॉट, ये आपको पढ़ना है इस साल अगर आप 11th क्लास में हैं। यहाँ पे संस्कृत के भी नाम दे दिए गए हैं, और उर्दू में आपको जो बताया गया है वो गुलिस्तान अदब 11th क्लास में आपको पढ़ना है अगर आप 11th क्लास में आए हैं, ठीक है। तो ये बुक्स की लिस्ट है, आप यहाँ पर बुक्स की लिस्ट देख सकते हैं, ये कौन सी क्लास की कौन सी बुक्स है। अगर आप प्रेजेंट में 9th में हैं या फिर आप 11th में हैं, तो आपको ये बुक्स पढ़ना है, ये आपके काम में आने वाली है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्लास 10th और क्लास 12th की न्यू बुक्स के बारे में, पहले हम उनको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लास 10th के बारे में। क्लास 10th में इंग्लिश की कौन सी बुक्स आपकी लगेंगी इस साल 2021-2022 के सेशन में। तो देखिए, आपकी इंग्लिश की जो बुक्स लगेंगी वो आपकी 3 बुक्स लगेंगी। इसमें पहली जो बुक्स है वो रहेगी फर्स्ट फ्लाइट। जी हाँ, फर्स्ट फ्लाइट आपको ये बुक्स देखना है। इस बुक्स का आप फ्रंट पेज देख सकते हैं, ये फर्स्ट फ्लाइट नाम से ये बुक्स आपको परचेस करना है। इसके बाद सेकेंड जो बुक्स रहेगी वो फुट प्रिंट्स विदाउट फीट, ये बुक्स भी रहती है, सप्लीमेंट्री मटेरियल रहती है, ये बुक्स आपकी सेकेंड रहेगी, फुट प्रिंट्स विदाउट फीट, ये आपकी क्लास 10th में। और आपकी वर्कबुक रहेगी इसी में वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, ये आपकी तीसरी बुक्स रहेगी। मतलब ओवरऑल आपकी क्लास 10th में जो इंग्लिश की बुक्स हैं ये 3 बुक्स रहेंगी। ये आपको मार्केट से परचेस करना है या फिर आपको कहीं से डाउनलोड करना है, तो ये बुक्स के नेम आप याद रखिएगा। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप चाहें तो इस बुक्स का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, जो कि आपको आगे काम आने वाला है, ठीक है। ये तो हुई हमारी इंग्लिश की। अब इंग्लिश के बाद हम जान लेते हैं हिंदी के बारे में, तो आपकी हिंदी कौन सी लगेगी। देखिए, मैं आपको बता दूं, हिंदी आपकी जो लगेगी वो रहेगी क्षितिज भाग 2। मतलब कि आप जो 10th क्लास में आए तो 9th क्लास में आपकी क्षितिज भाग 1 थी, अब यहाँ पर आपकी 10th क्लास में क्षितिज भाग 2 लगेगी, ठीक है। इसी तरह से कृतिका आपकी 9th क्लास में भाग 1 थी, तो अब आपकी 10th क्लास में भाग 2 लगेगी। तो क्षितिज भाग 1, भाग 2 और कृतिका भाग 2, ये आपकी हिंदी की बुक इस साल 2021-2022 में लगेंगी, ठीक है। अब हम जान लेते हैं संस्कृत और उर्दू के बारे में। तो देखिए, क्लास 10th में जो आपकी संस्कृत है वो आपकी शेमुशी, ओके, ये आपकी रहेगी। और उसके बाद जो व्याकरण की है, ये सेकंड बुक आपकी यहाँ पर संस्कृत की है। इसके बाद हम उर्दू के बारे में बात करें, तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में जो आपकी उर्दू है वो नवाए उर्दू, ये आपकी इस साल 2021-2022 में लगने वाली है। तो नवाए उर्दू ये आपकी इस साल लगेगी अगर आप उर्दू से हैं, ठीक है। तो ये तो हुई हमारी क्लास 10th के बारे में जो बुक्स आपको पढ़ना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम 12th के बारे में। देखिए, मैं आपको बता दूं, 12th क्लास में आपकी जो बुक्स बदली गई हैं वो बुक्स आपकी पहली वाली जो बुक्स आपकी इंग्लिश की है, तो इंग्लिश में मैं आपको बता दूं, फ्लेमिंगो ये आपकी बुक आपकी लगेगी इस साल एनसीईआरटी की। फ्लेमिंगो ये आपको परचेस करना है, इसकी आपको स्टडी करना है, ये एनसीईआरटी की बुक है क्लास 12th, ओके। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही के लिए ये बुक है। ऐसा ना सोचे कि हिंदी मीडियम के लिए अलग होगी, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग होगी, ये कॉमन रहेगी दोनों ही मीडियम के लिए, फ्लेमिंगो, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो बुक है आपकी इंग्लिश की वो रहेगी विस्तार।
जी हाँ उस्ताद, तो ये बुक आपको परचेज करना है। तीसरी मैं आपको बता दूँ, कैलिडोस्कोप है तो, लेकिन आपको इसको परचेज नहीं करना है, इसको आपको नहीं खरीदना है। क्यों नहीं खरीदना है ये भी मैं आपको बता दूँ। देखिए आपकी जो वो चलती है, जो बुक्स चलती है वो कोर कोर्स चलता है, तो कोर कोर्स में जो बुक है वो आपकी दो ही हैं, एक फ्लेमिंगो है एक विस्तास है। ये आपको परचेज करना है, इसकी आपको स्टडी करना है। और जो सेकेंड वाली है ये इलेक्टिव की है, तो इलेक्टिव आपको नहीं पढ़ाया जाता है, तो इलेक्टिव की आपको नहीं परचेज करना है। कैलिडोस्कोप आपको नहीं खरीदना है, आपको पहली जो बुक है फ्लेमिंगो और स्टाफ्स आपको इन दो को ही खरीदना है। ये आपकी इंग्लिश की है क्लास 12th की। ओके, अब स्टूडेंट्स जान लेते हैं हम हिंदी के बारे में कि हिंदी की आपकी कौन सी बुक इस साल लगने वाली है। तो हिंदी की आपकी आरओ भाग 2 लगेगी। 11th क्लास में आपने आरओ भाग 1 पढ़ा होगा, अब आपकी यहाँ पे 12th क्लास में आरओ भाग 2 चलेगी। इसके बाद आपकी वितान जो कि भाग 2, 11th क्लास में जब आप होंगे तो आपने वितान भाग 1 को पढ़ा होगा, अब आप यहाँ पर 12th क्लास में आ गए तो 12th क्लास में आपको वितान भाग 2 पढ़ना है। ये दो बुक आपकी किस चीज़ की लगेंगी, ये आपकी हिंदी की लगेंगी, आरओ और वितान, और एक व्याकरण जो कॉमन रहती है, तो व्याकरण आपने जो 11th में खरीदी होगी या 11th आपने पढ़ी होगी वही आपकी यहाँ पर लग जाएगी। ये आपकी हो गई किस चीज़ की, ये आपकी हिंदी की हो गई। अब हम जान लेते हैं उर्दू के बारे में कि उर्दू और संस्कृत में आपकी कौन सी लगेंगी, ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ आपकी क्लास 12th के लिए। ओके, तो देखिए क्लास 12th में देखिए अगर आप संस्कृत से हैं तो संस्कृत की आपकी वासुती, ये आपकी संस्कृत की बुक रहेगी क्लास 12th में। जी हाँ, क्लास 12th में आपकी ये संस्कृत की रहेगी। और अगर आप, अगर कुछ लोग संस्कृत लेते हैं इसलिए उनके बारे में बता दे रहा हूँ, कुछ लोग हिंदी की जगह पर संस्कृत लेते हैं, तो यहाँ पर क्लास 12th में वासुती ये संस्कृत में रहेगी। और अगर आप उर्दू से हैं तो उर्दू में आपकी रहेगी गुलिस्तान-ए-अदब। गुलिस्तान अदब ये इस साल 2021-2022 के सेशन में लगने वाली है आपकी उर्दू की और ये संस्कृत की। ओके स्टूडेंट, तो ये मैंने आपको इन बुक्स के नेम बता दिए हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना जाए अगर आप मार्केट से ऑफलाइन इनको परचेस करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अगर आप ऑफलाइन परचेस करते हैं मार्केट से तो देखिए यहाँ पर इनके फ्रंट पेज में थोड़ा सा चेंज हो सकता है क्योंकि एमपी बोर्ड अपना लोगो लगा देगा। जी हाँ, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, अंदर आपको सब कुछ सेम मिलेगा, वही मिलेगा जो एनसीईआरटी की बुक्स में है। तो आपको अंदर जो चीज़ मिलेगी, जो मटेरियल मिलेगा वो आपको सेम मिलेगा, हो सकता है फ्रंट पेज थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए क्योंकि एनसीईआरटी की जगह पर एमपी बोर्ड अपना प्रचार करेगा, तो एमपी बोर्ड अपनी मोहर यहाँ पर लगा सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सोर्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं तो आप ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर एनसीईआरटी की वेबसाइट पर भी जाकर आप वहाँ से इन बुक्स की लिस्ट को देख सकते हैं, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी स्टडी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट था जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है कि इस साल अगर आप क्लास 10th और क्लास 12th में हैं और किसी भी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आपकी कौन सी बुक्स लगने वाली हैं, ये मैंने आपको इनकी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बता दी है। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अभी आपको थोड़ा सा वेट और करना है बोर्ड के लेटेस्ट नोटिस का। जी हाँ, ये नोटिस पहले जारी कर दिया गया था और पहले जारी करके यहाँ अभी तक का बता दिया गया था, लेकिन आपको थोड़ा सा और वेट कर लेना है, कन्फर्म कर लेना है एमपी बोर्ड के लेटेस्ट नोटिस के बारे में कि एमपी बोर्ड अब यहाँ पर प्रेजेंट में क्या कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर एमपी बोर्ड बीच बीच में बहुत कुछ चेंजेस करता रहता है। जैसे कि लास्ट ईयर आपने देखा होगा ब्लूप्रिंट को लेकर, एग्जाम को लेकर बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, तो इस साल थोड़ा सा आपको वेट करना है। लेकिन जो आपको जानकारी दे रहा हूँ ये 100% सही जानकारी है, ये प्रूफ के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। प्रीवियस जो नोटिस जारी किए गए थे उस नोटिस के बेस पर मैं आपको यहाँ पर वीडियो बनाकर जानकारी दे रहा हूँ, तो ये जानकारी बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो आपको पसंद होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को बता दीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके फ्रेंड्स गलती करते हैं, चाहे आप भी हो तो आपने भी हो सकता है ये गलती की हो, आप पहले ही स्टडी स्टार्ट कर देते हैं लेकिन कन्फर्म नहीं करते कि हमें कौन सी बुक से स्टडी करना है। अगर आपकी ये बुक्स लग गई हैं और आपने पहले वाली पुरानी बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया है तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, इसलिए पहले कंफर्म करना है, पहले इन बुक्स के बारे में जानकारी हासिल करना है और फिर आपको नई जो बुक है उन बुक से आपको स्टडी करना है। जी हाँ, ऐसा ना हो कि आप पुरानी वाली बुक्स को स्टडी करने बैठ जाएं, उनको लर्न करने बैठ जाएं और आपकी ये जो नई बुक्स हैं आप इनको कवर नहीं कर पाएं और आप बहुत ज़्यादा लेट हो जाएं। ओके, तो याद रखिएगा जो जानकारी मैंने आपको दी है ये जानकारी बिल्कुल सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।